अस्सलाम वालेकुम यार, सलाम का जवाब तो दे दो। और साथ ही बात करेंगे इसकी स्पेसिफिकेशन, रिव्यूज और ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यार अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें तीन कलर देखने को मिल रहे हैं, ब्लैक, व्हाइट और नॉर्डिक। तो अगर हम इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें 6.9 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल रहा है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें हीलियो G95 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और यहाँ हमें माली G76 का GPU देखने को मिल रहा है। बैक पे हमें 64 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिल रहा है। और फ्रंट पे हमें 16 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है। अगर बैटरी बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल रही है और यहाँ हमें 24W की फास्ट चार्जिंग के साथ Type-C केबल का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसी के साथ हमें OS 11 7.2 में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट और डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिले। पाकिस्तान में आपको सिर्फ इसका एक ही वेरिएंट देखने को मिल रहा है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। ऑनलाइन आपको 30,000 में और ऑफलाइन आपको 28,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सिर्फ इस एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।